गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो पार्ट आया था वो क्या था? पेट्रोल इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? डीजल इंजन। ठीक है, डीजल पेट्रोल इंजन में क्या होता है? चार स्ट्रोक्स होते हैं, और पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में क्या होता है? पांच स्ट्रोक्स होते हैं। यानी कि पेट्रोल इंजन में जो वर्किंग होगी वो संपीड़न के साथ ही हो जाती है। ठीक है, और डीजल इंजन में जो वर्किंग होती है वो संपीड़न की प्रक्रिया के बाद में होती है। ठीक है, डीजल इंजन की जो गाड़ियाँ होती है वो पिकअप क्या करेगी? धीरे करेगी। ठीक है, और पेट्रोल इंजन वाले क्या होते हैं? संपीड़न के साथ ही क्या होते हैं, उसमें कार्य करना प्रारंभ कर देती है, तो उनका पिकअप क्या होता है? हाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए डीजल इंजन में कितने स्ट्रोक्स होंगे? पांच स्ट्रोक्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट जो आएगा चूसन स्ट्रोक्स, इस वाले में क्या होता है? जो पिस्टन की गति होती है वो बाहर की तरफ होती है। इसमें जो प्रक्रिया ये आएगी, इसमें पिस्टन की गति क्या रहेगी? बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है डाका जी, अब देखिए स्टार्टिंग, जैसे कि इसमें फर्स्ट जो ओर हो गया, द्वार हो गया, वो कौन सा रहेगा? आई हो गया। ठीक है, सेकंड वाला जो गेट होता है वो कौन सा होता है? एफ होता है, जिसमें से वो डीजल का प्रवेश करवाते हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? ओ गेट होता है, जिससे निष्कासन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये आई गेट, सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा, और जो लास्ट वाला पार्ट आता है वो कौन सा होता है? ओर आता है। इस वाले में क्या रहेगी? पिस्टन की गति क्या रहेगी? बाहर की तरफ रहेगी। यानी कि ये क्या रहेगा? जो क्या करेगी? बाहर की तरफ गति करेगी। ठीक है, पिस्टन की गति क्या रहेगी? इसमें बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है? आई गेट क्या हो जाता है? खुल जाता है। पिस्टन की गति बाहर की तरफ रहेगी तो आई गेट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आई गेट ओपन हो गया तो इसमें क्या करेंगे? वायु का प्रवेश कराएंगे। ठीक है ना, वायु का प्रवेश कराएंगे। इसका ग्राफ जो आएगा वो किस प्रकार का आएगा? कोई भी पार्टिकल लेके चलेंगे उसमें क्या आएगा? ए से बी की तरफ क्या आएगा? ग्राफ आएगा। यानी कि ये वाला जो अपने पास ग्राफ है, ठीक है, बी पी ओ के रूप में। ठीक है, इसमें देखिए स्टार्टिंग क्या रहेगा? ए सी पी। ठीक है, जो इसमें क्या करेंगे? वायु का प्रवेश करवाएंगे, और उस प्रक्रिया को क्या करते हैं? ए सी बी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन आएगी, स्ट्रोक्स जो आएगा उसका मान क्या होता है? संपीड़न स्ट्रोक्स। संपीड़न स्ट्रोक्स कौन सा हो जाएगा? जिसमें क्या होंगे? दोनों गेट क्या रहेंगे? तीनों गेट क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। ठीक है, इस वाले में क्या रहते हैं? सभी गेट बंद रहेंगे। यानी कि जो गेट आएंगे वो क्या रहेंगे? पिस्टन की गति क्या रहेगी? अंदर की तरफ रहेगी, और गेट क्या रहेंगे? सभी के सभी क्लोज्ड रहेंगे। यानी कि जो पिस्टन की गति है वो किस प्रकार की है? ये आई गेट, ये एफ आई, वो लास्ट वाला कौन सा आ जाता है? पिस्टन की गति क्या रहेगी? बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ रहेगी।
इस वाले में पिस्टन की गति क्या रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी जो पुण्य ऑयल वगैरह इसमें जो वायु वगैरह डाली थी उसके वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, उस वाले पार्ट का क्या होगा, संपीड़न होगा। संपीड़न होगा तो क्या होगा, ताप व दाब दोनों के मान बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ताप का मान कितना हो जाएगा, लगभग 1000 सेंटीग्रेड तक इसका क्या हो जाएगा, ताप का मान हो जाएगा। जैसे इस वाले संपीड़न की प्रक्रिया होगी, ग्राफ किस प्रकार का आएगा, तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ए से सॉरी बी से सी की तरफ, ठीक है। ग्राफ किस प्रकार का आएगा, बी से सी की तरफ सेंटीग्रेड इसमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर दो आए तीन आएगा, नंबर थ्री स्ट्रोक्स आएगा, नंबर थ्री होते हैं अंतक्षेपण, ठीक है ना। अंतक्षेपण की प्रक्रिया क्या आएगी, द इंजेक्शन ऑफ ऑयल, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ ऑयल। इस वाले में क्या होता है, पिस्टन की गति एकदम कॉन्स्टेंट रहती है, जो सीधी रेखा में रहेगी, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगी, पिस्टन की गति एकदम सरल रेखा में रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, और एफ गेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। एफ गेट क्या रहेगा, ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये क्या आ गया अपने पास, आई आ गया, ये आई आ गया, ये एफ आ गया, ये ओ रह गया, ठीक है। इसमें क्या है, पिस्टन की गति रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। F गेट खुल जाएगा, F गेट खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑयल का प्रवेश करवाया जाएगा, यानी कि डीजल का इसमें क्या कराएंगे अपन, प्रवेश करवाएंगे, ठीक है। ये F गेट खुलने के बाद की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ ऑयल, इंजेक्शन ऑफ ऑयल क्या रहेगा, नंबर थर्ड पार्ट क्या था, अंतक्षेपण नंबर फोर। फोर नंबर कौन सा रहेगा, इसमें क्या होते हैं, जैसे कि हाँ इंजेक्शन हो गया, लास्ट वाला पार्ट कौन सा आएगा, नंबर फोर वर्किंग के लिए आएगा, वर्किंग किस प्रकार करवा रहे हैं अपन इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा, वर्किंग स्ट्रोक्स, ठीक है। इंजेक्शन ऑयल का ग्राफ किस प्रकार आएगा, जैसे कि इसमें क्या कह रहा है अपन, ऑयल का प्रवेश करवाया, ऑयल का प्रवेश करवाते क्या हुए, पहले से संपीड़न हो गया, संपीड़न की प्रक्रिया क्या हुई थी, पहले से हो गई थी, तो ताप क्या था, बढ़ा हुआ था। जैसे इसमें क्या कराएंगे अपन, ऑयल का प्रवेश करवाएंगे तो अपने आप भी क्या आ जाएगी, संपीड़न की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, सी सी डी ग्राफ के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। वर्किंग वाले पार्ट में क्या रहेंगे, सभी गेट एक बार फिर बंद हो जाएंगे, पिस्टन की गति क्या रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, ये आई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। इसमें क्या रहेगी, पिस्टन की गति क्या रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है। और सभी गेट क्या रहते हैं, बंद होता है, जो पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, वो क्या करेगा, जो रुद्रोष्म की प्रक्रिया है उस पर कार्य करेगा, ठीक है। रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य करेगा तो ताप और दाब दोनों के मान क्या होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और इसे किस प्रकार ए से बी से ई की तरफ व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। थोड़ी पानी की व्यवस्था, इसे किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा, बी से ई की तरफ इसको व्यक्त किया जाएगा, ठीक है।
और लास्ट जो प्रक्रिया आएगी वो क्या आएगी, रेचन। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या आएगा, जैसे कि आई लेट्रा, ठीक है, पिस्टन की गति क्या रहेगी, इसमें अंदर की तरफ रहेगी एयर और इसमें क्या हो जाएगा ओ गेट, क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, पिस्टन की गति क्या रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी, आई गेट क्या हो जाएगा सॉरी ओ गेट क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। लास्ट वाला कौन सा रहेगा, रेचन, ओ गेट क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, पिस्टन की गति क्या रहेगी अंदर की तरफ रहती है, यानी कि जो पिस्टन रहेगा वो क्या रहेगा अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये गति क्या रहेगी अंदर की तरफ रहेगा, जो अपशिष्ट वगैरह पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, और पोजीशन क्या रहेगी ई से बी की तरफ रहेगा, ये कंडीशन अपना। ठीक है, ये वाला क्या रहता है और रेचन वाला हो गया। ठीक है, इसमें प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि कोई भी पार्ट अपन लेके चलेंगे, इस वाले में जो पार्ट आएंगे, जैसे कि बीच का जो पार्ट है संपिंडल वाला पार्ट है, ये प्रक्रिया होने के बाद में क्या करेंगे ऑयल का प्रवेश करवाएंगे, इसमें यदि बाद में ऑयल का प्रवेश करवाएंगे तो क्या होगा, जो दक्षता वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, इंजेक्शन ऑफ द ऑयल में क्या करते हैं अपन एफ गेट को खोलते, एफ गेट खुलेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ऑयल का प्रवेश करवाएंगे, डीजल का प्रवेश करवाएंगे, डीजल का प्रवेश होने के बाद में क्या आती है, यानी कि जो पहले वाली संपीड़न की प्रक्रिया होगी वो लेट प्रोसेसिंग आएगी, जो डीजल का प्रवेश कराने के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे इसमें ज्वलनशील गति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि संपीड़न के बाद की प्रक्रिया आएगी तो इनका पिकअप क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है ना, तभी जो डीजल की गाड़ियाँ होती है वो धीरे धीरे गति करती है, यानी कि उनका पिकअप भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, और इससे पहले जो पेट्रोल स्टार्टिंग देखिए, फर्स्ट कौन सा होता है, चूसन स्ट्रोक होता है, इसमें क्या रहती है, पिस्टन की गति क्या रहती है, बाहर की तरफ रहती है, पिस्टन की गति क्या रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, आई गेट खुल जाता है, केवल और केवल किसका प्रवेश करवाते हैं, वायु का प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, इस वाले में स्टार्टिंग में पोजिशन में क्या कराएंगे, वायु का प्रवेश करवाएंगे। देखो ग्राफ में इसे ए से बी के द्वारा अपन ने प्रदर्शित किया है। ठीक है, और इसके बाद में क्या आती है, संपीड़न की प्रक्रिया। संपीड़न वाले में क्या होता है, सभी गेट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, सभी गेट बंद होने के बाद में क्या आएगी, सभी गेट बंद होने पर क्या आता है, सभी गेट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें अंदर अंदर ये पार्ट क्या होगा, संपीड़न की प्रक्रिया होगी, संपीड़न की प्रक्रिया होगी तो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताप बढ़ने पर क्या हो जाते हैं, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, बी से सी आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट ताप कितना हो जाएगा, अचानक बढ़ जाएगा, लगभग 1000 जो सेंटीग्रेड होते हैं वहाँ तक इसका क्या रहेगा, ताप रहेगा। ठीक है, और इसमें जो आयतन होता है वो टोटलिंग आयतन का 1/17 भाग रहता है, जो संपीड़न की प्रक्रिया में जो आयतन रहेगा वो 1/17 भाग के रूप में उपस्थित होगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या कराते हैं, ऑयल का प्रवेश कराते हैं, इंजेक्शन ऑफ द ऑयल, इसमें क्या कराएंगे, एफ गेट, जो पिस्टन की गति होती है वो ओपन होती है। ठीक है ना, पिस्टन की जो गति आएगी वो क्या आएगी, बीच में वाले पार्टों में रहेगी। ठीक है, पिस्टन की गति न बाहर की तरफ रहती है न अंदर की तरफ रहती है। ठीक है, इसमें एफ गेट खुल जाता है, एफ गेट खुल गया तो क्या कराएंगे, डीजल का प्रवेश करवाएंगे।
ठीक है। जैसे डीजल का प्रवेश कराएंगे तो इसमें पहले से संपीड़न हुआ था, संपीड़न होने के बाद में क्या हो जाती है, अचानक इसका मान खुल जाता है, ठीक है ना। जिसकी इससे ग्राफ से किससे व्यक्त करेंगे, सी से डी के रूप में से ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और बाद में वर्किंग स्टॉक्स में क्या आते हैं, सभी गेट बंद हो जाएंगे, ठीक है। सभी गेट बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, रुद्र संपर्क क्रम पर यह कार्य करेगा, रुद्र संपर्क क्रम पर कार्य करेगा तो जो इसे बी से ई के द्वारा व्यक्त करेंगे, इसमें ताप व दाब दोनों के मान क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। ताप व दाब दोनों के मान क्या रहेंगे, इस वाले पार्ट में कम रहते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला क्या आता है, जैसे अपने वर्किंग कर लिया, ठीक है, वर्किंग करने के बाद में जो अपशिष्ट वगैरह बच गए उसका क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना। तो रिजल्ट के रूप में क्या आएगा, बी से ई से डी की तरफ रिजल्ट आएगा, जो अपशिष्ट थे वो उससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसकी इफिशियंसी वो होती है, कितनी होती है, 55 to 65, ठीक है। और पेट्रोल वालों की एफिशिएंसी कितनी होती है, 45 के आसपास होती है।